हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर टू का क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हीलियम आयन HE+ स्पेक्ट्रम के n बराबर 4 से n बराबर 2 बामर संक्रमण से प्राप्त तरंग दैर्ध्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हीलियम आयन है, हीलियम आयन का जो स्पेक्ट्रम है वो n बराबर 4 से n बराबर 2 में है। तो n बराबर 4 से n बराबर 2 में आ रहा है, तो जब भी ऊपर से नीचे 2 में आते हैं तो बामर संक्रमण होता है, बामर सीरीज प्राप्त होता है। तो n बराबर 4 से n बराबर 2 में हो रहा है, अर्थात बामर संक्रमण प्राप्त हो रहा है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है, वह किसके बराबर होगा? इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा वह तरंग दैर्ध्य के बराबर वाले संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। जो तरंग दैर्ध्य n बराबर 4 से n बराबर 2 में प्राप्त होंगे हीलियम आयन का, वही तरंग दैर्ध्य जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसमें संक्रमण से प्राप्त होगा, दूसरे से पहले में होगा कि तीसरे से दूसरे में होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है जब n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए होता है, ठीक है, संक्रमण n बराबर 1 से n बराबर 2 के लिए संक्रमण होता है, तब जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह हीलियम आयन के स्पेक्ट्रम के बराबर होता है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से। परमाणु के लिए तरंग संख्या का जो सूत्र होता है वह वेव नंबर होता है 1/λ। ठीक है, परमाणु के लिए तरंग संख्या न्यू बार बराबर होता है 1/λ। ठीक है, और तरंग संख्या न्यू बार बराबर होता है यह भी सूत्र RZ² 1/N1² - 1/N2². ठीक है, यह जो सूत्र तरंग संख्या का है न्यू बार बराबर RZ² 1/N1² - 1/N2², इस सूत्र को हम पहले हीलियम आयन के लिए लगाते हैं। ठीक है, HE+ स्पेक्ट्रम के लिए, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक Z2 होता है और 4 से 2 में जा रहा है, तो N2 4 है और N1 2 है। ठीक है, न्यू बार बराबर 1/λ, तो न्यू बार पहले लगाते हैं तरंग संख्या, तो न्यू बार बराबर RH। ठीक है, RH, उसके बाद Z² मतलब हीलियम का Z2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ((1)) 1/N1² मतलब 2² माइनस 1/N2² मतलब 4². ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, न्यू बार बराबर 4RH हो जाएगा, 4RH 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह जो है कट जाएगा और आएगा आपका न्यू बार बराबर 3RH/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हीलियम आयन के लिए तरंग संख्या का मान कितना आएगा, न्यू बार बराबर आएगा 3RH/4। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए निकालिए। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए न्यू बार बराबर 3RH/4 और Z=1। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए न्यू बार का मान बराबर करना होगा हीलियम आयन के स्पेक्ट्रम के, तो न्यू बार के जगह पे 3RH/4 रखेंगे और जेड के जगह पे 1 रखेंगे, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। न्यू बार बराबर 1/λ, न्यू बार बराबर 1/λ, तो न्यू बार बराबर RH(Z²) ((1)N1²-1/N2² सूत्र होता है। ठीक है, न्यू बार बराबर RH, तो Z² मतलब हाइड्रोजन का जेड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/N1² - 1/N2². प्रश्नानुसार इनको बराबर कर देते हैं, न्यू बार का मान है 3RH/4 जो हीलियम आयन के लिए निकला था, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका RH 1/N1² - 1/N2², यह हाइड्रोजन के लिए है आपका, और यह जो आया है हीलियम आयन के लिए आया है, तो ये आपस में बराबर हो गए प्रश्न के अनुसार। RH से RH कैंसिल हो गया, 1/N1² - 1/N2² = 3/4 हो गया। ठीक है,
एक बटे एन वन स्क्वायर माइनस एक बटे एन टू स्क्वायर बराबर तीन बटे चार। एन वन बराबर वन और एन टू बराबर टू, एन वन बराबर वन रखें और एन टू बराबर टू रखें, ठीक है, तो यह मान किसके बराबर हो जाएगा, तीन बटे चार के हो जाएगा। तो एन वन बराबर वन और एन टू बराबर दो के लिए यह होता है, अतः संक्रमण एन बराबर एक से एन बराबर दो तक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन के लिए वही संक्रमण प्राप्त करने के लिए, वही स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो हीलियम के एन बराबर चार से एन बराबर दो में प्राप्त होता है, तो उसके लिए हाइड्रोजन का संक्रमण जो होगा वह एन बराबर एक से एन बराबर दो तक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, हीलियम आयन गैस के रूप में है और इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वह भी निकल चुका है यहाँ पे, और यह बन गया हीलियम टू प्लस आयन। तो हीलियम प्लस आयन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकलने के कारण हीलियम टू प्लस आयन बन गया। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। हीलियम आयन से हीलियम दो प्लस आयन बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करना है। हाइड्रोजन परमाणु की तलस्त अवस्था में आयन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के ग्राउंड स्टेट में जो आयन ऊर्जा है वह 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल प्रति एटम है, जूल प्रति परमाणु है, ठीक है। तो आइए इसके आवश्यक ऊर्जा की गणना करते हैं। हीलियम आयन जो है वह चेंज हो रहा है हीलियम दो आयन में, तो क्या होगा इसके लिए, तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन आयन के लिए पहले। तो हाइड्रोजन आयन परमाणु के लिए सूत्र जो है, ऊर्जा का सूत्र En बराबर होता है −2π² mz² E4 / n² h² यह एनर्जी का सूत्र है, किसके लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का सूत्र है। En बराबर −2π² mz² E⁴ / n² h² आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी E अनंत माइनस E1, ठीक है, बाहर निकल जाना है, पहली कक्षा से अनंत में चला जाना है, तो एनर्जी चेंज जो होगा वह होगा E अनंत माइनस E1, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी होगा, आयनन ऊर्जा होगा, ठीक है। अब जो है E अनंत क्या होगा जीरो होगा और E1 क्या होगा, यह E1 मतलब यह मान जो आएगा वन के लिए, वन रख देंगे यहाँ पे, और यह हो जाएगा 2π² mz² E⁴ और n की जगह 1² हो जाएगा और h² हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी EI = E अनंत 0 हो गया माइनस, और यह जो गया E1 का मान, तो −2π² mz² E⁴ और n² का एक ही हो जाएगा, तो यह हो जाएगा h², ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2π² mE⁴ z² / n², ठीक है, यह आयनाइजेशन एनर्जी आयन ऊर्जा हो गया 2π² mE⁴ z² / n². अब हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 होता है, तो z का मान 1 रख देंगे, तो आयन ऊर्जा बराबर हो जाएगा 2π² mE⁴ / n², ठीक है। अब जो है आयनन ऊर्जा का मान अगर हम गणना करके निकालें, तो यह प्रश्न में दिया हुआ है, आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन के लिए 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम है, यह प्रश्न में ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की तलस्त अवस्था में आयनन ऊर्जा 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम है, ठीक है। तो यह तो आयनन ऊर्जा का मान दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए, यह 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम है। हीलियम आयन के लिए आपको निकालना है HE प्लस के लिए, तो z = 2, तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 2.18 × 10⁻¹⁸ और (z²), ठीक है। z का मान यहाँ 2 है हीलियम के लिए, तो z का 2 का इसका मतलब 4 हो जाएगा, तो आयनन ऊर्जा हो जाएगा 2.18 × 10⁻¹⁸ × 4, तो यह आ जाएगा 8.72 × 10⁻¹⁸ जूल, किसके लिए, HE प्लस के लिए। हीलियम HE प्लस के लिए जो आयनन ऊर्जा आएगा वो 8.72 × 10⁻¹⁸ जूल आएगा, ठीक।
अब जो है एच ई प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जा रहा है, एच ई टू प्लस हो जा रहा है, ठीक है। अब ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा जो होगी वो 8.72 × 10⁻¹⁸ जूल होगी, ठीक है। तो यह अभिष्ट ऊर्जा निकल चुका है जिसका मान आ गया 8.72 × 10⁻¹⁸ जूल। एच ई प्लस को एच ई टू प्लस में चेंज होने के लिए इतने ऊर्जा की जरूरत होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। यदि कार्बन परमाणु का व्यास, कार्बन परमाणु का व्यास 0.15 नैनोमीटर है, तो उन कार्बन परमाणुओं की संख्या का गणना कीजिए जिन्हें 20 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई में एक एक करके व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो कार्बन परमाणु का व्यास दिया हुआ है 0.15 नैनोमीटर। आपको कार्बन परमाणु की संख्या बतानी है जिन्हें 20 सेंटीमीटर स्केल की लंबाई में एक एक करके व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। कितने पार कार्बन परमाणु होंगे, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 35। कार्बन परमाणु का व्यास दिया है 0.15 नैनोमीटर, चेंज कर लें 0.15 × 10⁻¹⁹ या 1.5 × 10⁻¹⁰ मीटर। रेखा की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, चेंज कर लें 20 × 10⁻²⁰ मीटर या 2 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो इस तरह से कार्बन परमाणु का व्यास जो है 1.5 × 10⁻¹⁰ मीटर है और रेखा की लंबाई जो है वह 2 × 10⁻¹⁰ मीटर है, ठीक है। आगे आप देखें ध्यान से, अब चूंकि 1 सेंटीमीटर लंबाई में कार्बन परमाणु रखे जाते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबाई में कार्बन परमाणु रखे जाते हैं कितने, तो 2 × 10⁻¹⁰ × 1.5 × 10⁻¹⁰। 2 × 10⁻¹⁰ × 1.5 × 10⁻¹⁰ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.33 × 10⁹, ठीक है। तो यह जो संख्या है यह कार्बन परमाणु की संख्या है 1.33 × 10⁹, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई में कार्बन परमाणु रखे जाएंगे कितने, तो 2 × 10⁻¹⁰ × 1.5 × 10⁻¹⁰ अर्थात 1.33 × 10⁹। कार्बन परमाणु की संख्या होगी 1.33 × 10⁹, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36। कार्बन के 2 × 10⁸ परमाणु एक कतार में व्यवस्थित हैं। यदि इस व्यवस्था की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है तो कार्बन परमाणु के व्यास की गणना कीजिए, ठीक है। इसमें परमाणु की संख्या दे दिया गया है, लंबाई दे दिया गया है, व्यास को पूछा जा रहा है। इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था लंबाई दिया था, व्यास दिया था, कार्बन की संख्या पूछ रहा था, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 36 नंबर को, तो आप देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार कार्बन परमाणुओं की संख्या दिया हुआ है 2 × 10⁸। कार्बन परमाणु की संख्या है 2 × 10⁸ और लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर अर्थात 2.4 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है। अब जो है अब इसको कार्बन परमाणु का व्यास कितना होगा, तो व्यास जो होगा वो होगा 2.4 × 10⁻²⁰ मीटर बटे 2 × 10⁸, ठीक है। तो कार्बन परमाणु का व्यास हो जाएगा आपका 2.4 × 10⁻²⁰ / 2 × 10⁸। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 1.2 × 10⁻¹⁰ मीटर या इसको लिख सकते हैं आप 0.12 नैनोमीटर। अतः कार्बन परमाणु का व्यास कितना होगा 0.12 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपने देखा कि पहले जो है जो प्रश्न में दिया गया था कि कार्बन परमाणु की संख्या का मान दिया गया था, कार्बन परमाणु की संख्या जो था वह आपका था 2 × 10⁸ और लंबाई दिया था 24 सेंटीमीटर अर्थात 2.4 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है। अब जो है कार्बन परमाणु का व्यास कितना होगा, तो 2.4 × 10⁻²⁰ / 2 × 10⁸। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.2 × 10⁻¹⁰ मीटर अर्थात 0.12 नैनोमीटर। कार्बन परमाणु का व्यास जो होगा 0.12 नैनोमीटर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान दें, यह पूछ रहा है जिंक परमाणु का व्यास 2.6 एंगस्ट्रॉम है, जिंक परमाणु का व्यास है 2.6
एंगस्ट्रॉम। पहला है जिंक परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर में क्या होगी, क है 1.6 सेंटीमीटर की लंबाई के कतार में लगातार उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो परमाणु की संख्या निकालना है आपको, और आपको जो पहला निकालना है वो जिंक परमाणु की त्रिज्या निकालना है। जिंक परमाणु का व्यास दिया गया है 2.16 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, जो प्रश्न में सूचना दी गई है उस आधार पे जिंक परमाणु का व्यास जो दिया है वह दिया हुआ है मान 2.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जिंक परमाणु का व्यास है 2.6 एंगस्ट्रॉम या 2.6 × 10^2 पिकोमीटर। त्रिज्या इसका निकालेंगे तो आधा कर देंगे, 2.6 × 10^2 पिकोमीटर / 2। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 1.3 × 10^2 पिकोमीटर। तो त्रिज्या निकल गया, जिंक परमाणु का त्रिज्या है 1.3 × 10^2 पिकोमीटर। जो सूचना दी गई थी, जिंक परमाणु का व्यास दिया गया था 2.6 एंगस्ट्रॉम, इसको आपने पिकोमीटर में चेंज किया तो 2.6 × 10^2 पिकोमीटर हो गया व्यास। अब इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो 2.6 × 10^2 / 2 पिकोमीटर, यह हो जाएगा 1.3 × 10^2 पिकोमीटर। जिंक परमाणु की त्रिज्या आ गई 1.3 × 10^2 पिकोमीटर। अब 1.6 सेंटीमीटर लंबाई में जिंक परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 1.6 सेंटीमीटर लंबाई में जिंक परमाणु की संख्या बराबर 1.6 × 10^2 / 2.6 × 10^10। ठीक है, मीटर। और यह था आपका 1.6 × 10^2 सेंटीमीटर लंबाई में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.615 × 10^8। ठीक है, इसको 0.1 अंक आगे कर लेंगे तो 6.15 × 10^7। अतः 1.6 सेंटीमीटर लंबाई में जिंक परमाणु की संख्या जो होगी वह होगी 6.15 × 10^7। 6.15 × 10^7 परमाणु होगा। ठीक है, तो 1.6 सेंटीमीटर लंबाई में जिंक परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 1.6 × 10^2 ठीक है, जो व्यास दिया गया है अर्थात 2.6 एंगस्ट्रॉम अर्थात 2.6 × 10^10 मीटर। सॉल्व करेंगे 0.615 × 10^8 हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 6.15 × 10^7। अतः परमाणुओं की संख्या जो होगी 1.6 सेंटीमीटर में वो होगी 6.15 × 10^7 परमाणु। अगला देखते हैं क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है किसी कण का स्थिर विद्युत आवेश 2.5 × 10^16 है। किसी कण का स्थिर विद्युत आवेश जो है वह 2.5 × 10^16 कूलाम है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप q बराबर n से निकाल सकते हैं, n बराबर q बटा e। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। किसी कण पर स्थिर विद्युत आवेश दिया है 2.5 × 10^6 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है −1.602 × 10^19 कूलाम। ठीक है, 10^19 कूलाम होता है। ठीक है, अब आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन जो है कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n = q/e। कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = q/e। q मतलब आवेश, आवेश है 2.5 × 10^16 और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.602 × 10^19 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.5605 × 10^3। ठीक है, 10^3 हटाएंगे, दशमलव को पीछे कर लेंगे 3 अंक, यह हो जाएगा 1560। अर्थात उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 1560 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने n = q/e सूत्र से उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लिया जो कि 1560 है। अब आते हैं नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि मिल्कन के प्रयोग में तेल की बूंद पर चमकती एक्स किरणों द्वारा प्राप्त स्थैतिक विद्युत आवेश प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मिल्कन के प्रयोग में तेल की बूंद पर चमकती एक्स किरणों द्वारा प्राप्त स्थैतिक विद्युत आवेश प्राप्त किया जाता है। तेल की बूंद पर यदि
स्थैतिक विद्युत आवेश -1.282 × 10⁻¹⁸ कूलम है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। विद्युत आवेश का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी आपको बताएं, क्यू बटा ई करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। देख लें कैसे हल करेंगे। 39 नंबर, तेल की बूंद पर स्थिर विद्युत आवेश का मान दिया है -1.282 × 10⁻¹⁸ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है होता है -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसलिए तेल की बूंद पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एन बराबर क्यू बटा ई, तो आवेश हो जाएगा -1.282 × 10⁻¹⁸ और ई का मान -1.602 × 10⁻¹⁹। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। अतः तेल की बूंद पर उपस्थित अभिष्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर आपका 39। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने, प्लेटिनम आदि भारी परमाणुओं की पतली पन्नी को अल्फा कणों द्वारा बमबारी की जाती है। यदि एल्युमिनियम जैसे हल्के परमाणु की पतली पन्नी ली जाए तो उपरोक्त परिणामों में क्या अंतर आएगा, ठीक है। तो अल्फा कण प्रयोग जो हुआ था, रदरफोर्ड ने किया था, उसमें सोने और प्लेटिनम जैसी भारी परमाणुओं की पतली पन्नी पर अल्फा कण की बमबारी की जाती है। तो कहा जा रहा है कि यदि सोने और प्लेटिनम जैसे भारी परमाणुओं को छोड़ के उसके जगह पर एल्युमिनियम जैसे हल्के परमाणु की पतली पन्नी ली जाए तो रिजल्ट में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। इसका आंसर यह है कि एल्युमिनियम जैसे हल्के परमाणुओं का नाभिक छोटा होता है, अतः थोड़े से कण परावर्तित होंगे, ठीक है। एल्युमिनियम जैसे हल्के परमाणुओं का नाभिक क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अतः थोड़े से कण जो हैं परावर्तित होंगे, बहुत सारे कण पार निकल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है प्लेटिनम और सोना लिया जाता है ताकि उसका घनत्व तो अधिक होता है, नाभिक नज़दीक रहेंगे, परमाणु नज़दीक रहेंगे और जो है अल्फा कणों में परावर्तन जो है ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेगा। लेकिन एल्युमिनियम जैसा हल्का परमाणु ले लेंगे तो नाभिक छोटा होगा, खाली जगह उसमें ज़्यादा होगा और बहुत थोड़ा कण ही परावर्तित होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कह रहा है 35 ब्रोमीन, ठीक है, 39 ब्रोमीन 79 और तथा 79 Br प्रतीक मान्य है, 35 Br 79 तथा 79 Br प्रतीक मान्य है, जबकि 79 Br 35 तथा 35 Br मान्य नहीं है, संक्षेप में कारण बताइए, ठीक है। तो 35 Br 79 जो है तथा 79 Br यह प्रतीक मान्य है, जबकि इसका अगर उल्टा कर दें, ठीक है, 79 नीचे करके 35 ऊपर कर दें, 79 Br 35 तथा 35 Br मान्य नहीं है, इसका कारण बताइए। इसका कारण यह है कि समस्थानिकों के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है। समस्थानिकों के लिए क्या होना चाहिए, पर प्रोटॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब नीचे का जो नंबर है वो बराबर होना चाहिए समस्थानिक में, ठीक है। तो समस्थानिक में आप देख रहे हैं नंबर चेंज कर दिया गया है, तो यह समस्थानिक नहीं है, दोनों ब्रोमीन ही है, तो समस्थानिक हो सकते हैं कब, जब नीचे के नंबर बराबर हों तब, तो यहाँ पे नंबर बराबर नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकता है, ऊपर के नंबर जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नीचे के नंबर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि यह मान्य नहीं है, तो इसीलिए मान्य नहीं है क्योंकि नीचे के जो परमाणु संख्या है, नंबर हैं, वे बराबर नहीं है, ऊपर के बराबर नहीं हो सकते हैं लेकिन नीचे के बराबर होने चाहिए, तभी वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। तो आंसर यह है कि समस्थानिकों के लिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, 81 द्रव्यमान वाले तत्व में प्रोटॉनों की तुलना में, ठीक है, 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में, ठीक है, एक तत्व है जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 81 है, में प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है। तो इस तत्व में जिसका कि द्रव्यमान संख्या 81 है, इसमें प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन जो हैं वह 31.7% अधिक हैं। इसका
परमाणु प्रतीक लिखिए, ठीक है, आपको इसका परमाणु प्रतीक लिखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। तत्व का द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है प्रश्न में 81। तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 81 दिया है। प्रोटॉनों की संख्या मान लीजिए x है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? x है। और कह रहा है प्रश्न में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है, ठीक है। तो प्रोटॉन से कितने न्यूट्रॉन अधिक हैं? 31.7% न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में अधिक है। तो आप मान लिए हैं कि प्रोटॉनों की संख्या x है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वह प्रोटॉनों की संख्या प्लस 31.7% प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में अधिक होगी, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर x प्लस 31.7 × x/100, यह न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न के अनुसार तत्व का द्रव्यमान संख्या 81 है, तो मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या x है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्रश्न के अनुसार जो होगी प्रोटॉन की संख्या का 31.7% अधिक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो x प्लस 31.7 × x/100 हो जाएगी। और द्रव्यमान संख्या का सूत्र आप जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या दान न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है। तो मान रख दीजिए द्रव्यमान संख्या प्रश्न में दिया है 81, प्रोटॉन की संख्या x हो गया, अब प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यह जो आया है x प्लस 31.7 × x/100। अब इसको आप सॉल्व करें तो 81 = 2x, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा और 31.7 × x/100 हो जाएगा। फिर इसका त्रिज्या गुणा करके सॉल्व करें आप, तो यह जो है इसका गुणा हो जाएगा तो 8100, इसमें गुणा हो जाएगा 200x प्लस 31.7x, ठीक है। अब जो है यह आपका 200x और 31.7x मिलकर 231.7x हो जाएंगे और बराबर 8100, x बराबर 8100/231.7 भाग दे देंगे तो 34.95899 आ जाएगा, अर्थात x बराबर लगभग 35 आ जाएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? x का मान 35 आ गया। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप जानते हैं a माइनस जेड होता है, तो a माइनस जेड मतलब प्रोटॉनों की संख्या जो 35 है, तो a का मान 81 तो दिया ही है प्रश्न में, तो 81 - 35 अर्थात 46। तो इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल गई? 46 हो गई, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या 35 हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या 46 हो गई, तो परमाणु का प्रतीक कितना होगा? 35Br81 हो जाएगा, 35Br81 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इस तरह से माना करके सॉल्व किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लें। 37 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर ऋणावेश की एक इकाई है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या यहाँ पर दिया हुआ 37 और उस आयन पर ऋण आवेश की एक इकाई है। यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन जो है 11.1% अधिक है, तो आयन का प्रतीक लिखिए, ठीक है। आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन क्या है? 11.1% अधिक है, तो आयन का प्रतीक लिखिए। द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 37 और आयन पर एक ऋण आवेश है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। आयन की द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है प्रश्न में 37, आयन का द्रव्यमान संख्या बराबर 37 अर्थात प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन बराबर 37, क्योंकि द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन बराबर 37। आयन पर एक इकाई ऋणावेश है, आयन पर एक इकाई ऋणावेश है, माना प्रोटॉन की संख्या x है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? x प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस 1 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 37 - x, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 37 - x, ठीक है। 37 जो है आपका द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 37 - x। अब समीकरण के अनुसार, ठीक है, समीकरण के अनुसार जो है आप जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो होगी वह होती है किसके बराबर होती है? प्रोटॉन संख्या धन न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है। तो यह हो गया आपका एक्स धन वन और एक्स धन वन इंटू 11.1/100 बराबर 37 - x, ठीक है। तो यह जो मान दिया गया था न्यूट्रॉन जो है 11.1% अधिक है,
यदि आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन कितना अधिक है, 11.1% अधिक है, तो यह आपका 11.1% है, ठीक है। तो x+1 + x+1 का 11.1% अर्थात x+1 + x+1 इंटू 11.1/100 बराबर 37 - x। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आप सॉल्व करके x का मान आएगा 17, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा, 17। तो प्रोटानों की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17+1 अर्थात 18 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 37 - 17 अर्थात 20 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आयन का प्रतीक कितना होगा, तो 17Cl37 हो जाएगा माइनस, ठीक है, 17Cl37 माइनस। यह आयन का प्रतीक हो जाएगा 17Cl37, Cl पे माइनस चार्ज होगा। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर था 43, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।